हेलो स्टूडेंट्स आज हम रीड करेंगे सर्कल द व्हील ऑफ़ योर स्कूल बस कॉइंस बेंगल्स एक्सेट्रा आर सेम एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलम ऑब्जेक्ट्स टेक अ बेंगल्स आप एक बेंगल्स को लीजिए आप जानते हो ना सर्कल्स आपके स्कूल में स्कूल बस है कॉइंस होते हैं बेंगल्स सभी ने देखे हैं सो टेक अ बेंगल्स एक बेंगल्स लीजिए एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेन पेपर एक प्लेन पेपर उसको रखिए एंड ड्रॉ इट्स आउट बाउंड्री विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एक पेंसिल की हेल्प से आप उसकी बाउंड्री को ड्रॉ कीजिए लिफ्ट द वेंगर्स द फिगर्स यू गेट ऑन पेपर इज कॉल्ड अ सर्कल जो हमें बाउंड्री से जो फिगर्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड सर्कल सेंटर पॉइंट ओ एंड वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाउंड्री साइड सो ओ ए डिस्टेंस सेट में, में एक प्लेस पर एक क्या होगी हर प्लेस पे एक पॉइंट होगा जिससे उस सर्कल की जो बाउंड्री होगी एक डिस्टेंस दूरी जो होगी वो इक्वल होगी फिक्स्ड होती है कॉन्टेक्ट सो इन द एजॉइंटिंग फिगर एक फिगर्स है इसमें एक सेंटर है ओ और ओ से ओ यहाँ कितने भी पॉइंट ले लेंगे बाउंड्री में सेम डिस्टेंस होगी है ना फिक्स डिस्टेंस होगी सो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेनिंग कॉन्टेक्ट इन द फिगर द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल जो फिक्स पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर होता है एंड डिस्टेंस ऑन जो आर डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ अ सर्कल ये सर्कल की रेडियस होती है डायमीटर ऑफ अ सर्कल अलाइंसिंगमेंट बिच पोसिस थ्रो द सेंटर ऑफ सर्कल एंड हुज़ एंड पॉइंट लाई ऑन द सेंटर सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कल में एक लाइन सेगमेंट से लेंगे जो पास करेगा वन uh, जो मतलब मिडल पॉइंट से होकर जाएगा एंड सेम डिस्टेंस टू टाइम्स होगी दैट इज कॉल्ड डायमीटर सो डायमीटर इज इक्वल टू टू रेडियस बिकॉज जो रेडियस होती है वो uh, मतलब सेम डिस्टेंस होती है फिक्स्ड डिस्टेंस होती है सो टू रेडियस को हम ले लेंगे डेट इज कॉल्ड डायमीटर सो डायमीटर इजक्ल टू टू इंटू रेडियस ऑफ अ सर्कल आर प्लस आर दैट इज कॉल टू आर सपोज दैट ओ एंड ओ बी नोट कर सकते हैं टू इंटू आर सो टू आर इजक्ल टू डायमीटर डी